हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी घर बैठे फ्री में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री में इस बेल को क्लिक करके मेरी टीम का हिस्सा बन जाइए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वेबसाइट इलेक्ट्रोनियम की लेकर आया हूँ, जिसका मैंने पहले भी माइनिंग का तरीका बताया था, लेकिन अब उसका जो है वो तरीका चेंज हो चुका है माइन करने का। तो वो सारा प्रोसीजर आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पर रेड बटन शो हो रहा होगा, आप उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो के नीचे एक रेड बटन सब्सक्राइब का आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके बेल आइकन शो होगा, उस पर क्लिक करने से हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सकेंगी। तो इसके बाद अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। आज जो इलेक्ट्रोनियम की वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वाला तरीका अब काम नहीं कर रहा, उन्होंने तरीका चेंज कर दिया है। पहले उसका वैलेट जो है वो ऑफलाइन था, अब उसका वैलेट जो ऑनलाइन बन चुका है उसका मैं सारा दिखाता हूँ। पहले तो आपने इलेक्ट्रोनियम यहाँ पे ओपन करना है, electronium.com। तो यहाँ पे आप जब वेबसाइट पे आ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये जो इसकी मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ये वाला माइनर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले ये यूज़ करते थे तो पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम ब्राउज़र वर्जन पे हम जब क्लिक करते थे तो हमारा जो ऑफलाइन वॉलेट जो है वो जनरेट होता था। अब न्यू जो ऑनलाइन हमारा वॉलेट है वो कैसे बनाना है और उसमें इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखना है my.electronium.com, ठीक है। ये वॉलेट है, ये मैं पहले से साइन इन हूँ तो इसका मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं इसको साइन आउट करके दिखा देता हूँ। पहले तो मैं लॉग आउट होता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका साइन अप कैसे करना है। सिंपल सा प्रोसीजर है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ईमेल पासवर्ड और रीटाइप करके यहाँ से आपने कंफर्म करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है और आपको कंफर्मेशन मेल आए तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आपका जब अकाउंट बन जाए तो लॉगिन करके उसके बाद यहाँ पे जैसे लॉगिन कर रहा हूँ, वेरीफाई कैप्चा, और इंटीग्रेट कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आपने साइन अप किया होगा तो आपसे ये पिन कोड मांगेगा। जब आप वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने पिन कोड आपने जनरेट जो किया होगा 5 नंबर्स वाला, आपने वो ऐड करना है। जैसे मैंने जो ऐड किया है वो मैं यहाँ पे टाइप करके इसे फिर वेरीफाई करता हूँ। सिक्योरिटी इसकी थोड़ी सी टाइट है। यहाँ पे सारी कार्ड्स वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है और वेरीफाई कर देना है, कंटिन्यू। ये डायरेक्ट हमें अपने वॉलेट में ले जाएगा, ये देखें। और यहाँ पे आपने जो क्या करना है कि ये इंपोर्ट फ्रॉम ऑफलाइन वॉलेट, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ कीज़ मांगेगा जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरे पास जो वॉलेट था मैंने उसे इंटीग्रेट कैसे किया। यहाँ पे मेरा जो वॉलेट था वो ये था, इलेक्ट्रोनियम ऑफलाइन। यहाँ पे ओपन करना है आपने अपने वॉलेट को और उसके बाद आपने करना क्या है कि इसमें 3 कीज़ दी गई हैं, आपने उनको कॉपी करना है। जी तो दोस्तों, ये कॉपी है, इसको आपने की, इसको कॉपी करना है, ये आपकी पब्लिक की है। और इस वाली की ये तो उल्टी शो हो रही है, इनको सीधा कैसे करना है, यहाँ से ये रोटेट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने 2 बार रोटेट करेंगे तो ये वाली साइड नीचे आ जाएगी, यहाँ से आप कॉपी कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह आपने कॉपी करना है इन तीनों को और आपने यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है। इसी तरह आपने तकरीबन 3 कीज़ देने के बाद आपका ये पेंडिंग पे आ जाएगा यहाँ पे और आपको थोड़ी देर के बाद यहाँ पे अगर आपने पहले माइन किया होगा तो वो बैलेंस शो कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप पहले वाला रिकवर कर सकते हो। और उसके अलावा अब जो माइनिंग करनी है उसका मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है कि ये आपका अब वाला एड्रेस है, अब आपने ये एड्रेस यूज़ करना है, ये वाला एड्रेस यूज़ नहीं करना जो इसमें पब्लिक की थी, ठीक है। तो अब इसको तो बंद कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो है हमने माइनिंग के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर
ये वाला मैं आपको यहाँ पे साइड पे दिखा देता हूँ, ये वाला सुमो इजी माइनर। यहाँ पे इजी माइनर, हाँ इजी हैश डॉट आई ओ आपने सर्च करना है तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। इससे हम माइन कर रहे हैं अब। यहाँ पे गेटिंग पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनियम ETNR है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जिधर दोस्तों आपने यहाँ से डाउन आना है और यहाँ पे आपने चेक करना है इजी वेब माइनर। ये वेब माइनर है, ये सुमो इजी माइनर है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने ये वेबसाइट का माइनर है, इसको आपने यूज़ नहीं करना, इसको आपने यूज़ करना है इजी माइनर को। ये कंप्यूटर के ज़रिए माइन करेगा और ये 64 बिट पे है, ठीक है। तो आपने उसको यूज़ करना है। ये काफ़ी सारे दूसरे भी शो हो रहे हैं, आपने इनको यूज़ नहीं करना। आपने इसको ओपन करना है, डाउनलोड करना है इसको, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके और यहाँ पे ये वेबसाइट ओपन होगी। इसमें यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये हो गया वे इसका डाउनलोडिंग का और वर्किंग का। अब इस पर डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आपके पास शो होगा, ये वाला अकेला, नीचे वाला शो नहीं होगा। नीचे वाला करने के लिए आपने यहाँ पे ये ऐड पूल पे क्लिक करना है। ऐड पूल पे क्लिक करेंगे ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है यही वाला सिलेक्ट हो, ये वाला सिलेक्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपने पूल का नेम कोई भी इलेक्ट्रॉनियम जैसे कि मैंने रखा हुआ है आप कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जी यहाँ पे जो आपने URL और पोर्ट पूछ रहा है इसमें क्या रखना है ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे जो आपने रखना है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमने क्लिक किया था, ये देखें URL पोर्ट ये है, हमने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उसके बाद वैलेट एड्रेस जो कि हमारा यहाँ पे वॉलेट वाला है इसको हमने कॉपी करना है और हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना। और इसके बाद यहाँ पे अपना कोई भी पासवर्ड देके ओके कर दें। इसके करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा ये वाला शो हो जाएगा, ठीक है। आपने उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पे रखना है और इसका जो माइनिंग स्टार्ट कर देनी है। अगर आप कंप्यूटर को एज अ टाइम उस टाइम यूज़ नहीं करना चाहते, सिर्फ माइनिंग पे रखना चाहते हैं तो इसको हाई पे कर दें, ठीक है। वैसे आपको रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मल ही रखें क्योंकि नॉर्मल पे CPU कम डैमेज होता है और सही रहता है PC और वर्किंग भी सही करता है। यहाँ पे नॉर्मल पहले से 4 ही सिलेक्ट है तो यहाँ पे 4 रहने दें। अगर आप साथ यूज़ भी करना चाहते हैं और इंटरनेट के बगैर यूज़ नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे लो करके भी आप अर्निंग यहाँ साथ करते रहेंगे और साथ ही आप इंटरनेट भी चला सकेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नॉर्मल पे हम रख के यहाँ पे क्लिक पे स्टार्ट पे कर देते हैं। अब ये देखिएगा माइनिंग अभी स्टार्ट हो रही है। अब ये 29 हैशेस पर सेकंड की स्पीड से ये माइनिंग हो रही है, अब स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 32 पे जा रही है, ये लगातार चलते हुए तकरीबन 40 से 50 तक चली जाती है, ठीक है। अब हमने इस पर चेक कैसे करना है कि हमने कितने माइन कर लिए हैं। आपने इजी हैश माइनर पे दोबारा जाना है और यहाँ पे आपने ये ऊपर वाला URL ख़त्म करके easyhash.io के साथ स्लैश डाल के स्टेट्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने एंटर करना है और यहाँ पे आपने करना है कि यहाँ पे वैलेट एड्रेस ऐड करेंगे डाउन पे। अभी शो होगा पेज, ये शो हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना वैलेट एड्रेस ऐड करना है जो कि यहाँ से कॉपी किया था, ठीक है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी किसी तरह की भी टेंशन ना पेश आए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रैक करना है, ट्रैक करेंगे तो ये वाला बैलेंस थोड़ी देर के अंदर आपको शो कर देगा, पहले 2 घंटे के बाद शो करेगा क्योंकि 2 घंटे ये माइन करता है और अपने शेयर्स यहाँ पर शेयर करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये मेरे पास अभी जो कल मैंने थोड़ा सा इसको माइनिंग पे लगाए रखा है और 0.5 ETN माइन हो चुके हैं, हाफ ETN यानी इलेक्ट्रॉनियम माइन हो चुका है। और ये डेली का हम कितना माइन कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे माइनिंग का नीचे एक ऑप्शन है जी दोस्तों, नीचे यहाँ पे आपने अब चेक कैसे करना है ये आपको बता दिया है कि 0.5 ETN यहाँ पे आपने बैलेंस चेक करना है और बैलेंस आपका यही मेन होगा और ये आपको पे कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली तकरीबन। यहाँ पे अब आपको बताता हूँ कि आपने अपना प्रॉफिट जो कैलकुलेट कैसे करना है कि आपके कितने हैशेस आ रहे हैं
और उतने हैशेज पे आपको कितनी अर्निंग डेली की हो सकती है। यहाँ पे जो हैशेज आते हैं एवरेज मेरा 34 है, अभी मैंने साथ ही कंप्यूटर चलाता रहा हूँ इसलिए मैंने इसको लो पे रखा था और 34 मेरी परसेंटेज आई थी। मैं दिखाता हूँ कि 34 पे कितना आ सकता है, और हाईएस्ट इसका जो है वो 100 तक जा सकता है, 100 चला जाता है अगर आप यूज़ ना करें और इसको नॉर्मल पे रखें तो। यहाँ पे इलेक्ट्रोनियम आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे आपने जाना है और यहाँ पे आपने और डाउन और ये आपने यहाँ पे क्लिक करना है। साथ ही यहाँ पे आपने इसका जो जितने भी हैशेज आपके आ रहे हैं नॉर्मल मेरे 40 तक चले जाते हैं, यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं 0.76 ETN से लेकर 0.83 ETN मैं अर्न कर सकता हूँ डेली का, ठीक है, डेली का इतना प्रॉफिट मैं अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर कितना सपोर्ट कर रहा है, आप कितना अर्न कर सकते हैं यहाँ पे चेक करके। डेली का 1 coin तो आप निकाल ही सकते हैं। कल मैंने काफ़ी लेट ये स्टार्ट किया था और थोड़ा थोड़ा साथ काम करता रहा हूँ, तो आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं और इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी टीम का हिस्सा बन जाइए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए ऑफ़र लेकर आ रहा हूँ, फ्री में एप्लीकेशंस आपको बनाकर दूंगा, आप उस पर काम करेंगे और आपको 100% आपको अर्निंग उससे मिलेगी और वो आपको एडसन के ज़रिए मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो तक में आपको मैं सारी डिटेल बता दूंगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।